भाई अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है कहो तुको पति आई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन सुख दरिद्र बिन दुख नीत बिना सुख सोए। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक ऐसो रतन बिहोना रोए। ब्रह्म बिन गंजन मणि बिन नीरख रूप बिना बहुरूपा। थित बिन सुरति रहस बिन आनंद ऐसो चरित अनूपा। कहें कबीर जगत हरिमानिक जे देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुम तज भजो न सारंग पानी। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है कहो तो को पति आई। संतों ने ऋषियों ने महापुरुषों ने आत्मा का अद्भुत रूप कहा है। उसको अगर मैं कहता हूँ तो कौन विश्वास करता है। अद्भुत वह वस्तु लगती है जो पहली बार देखी जाए। हमने सबको देखा अपने को नहीं देखा, इसलिए अपने आप का देखना अद्भुत लगता है, अपने आप को समझना अद्भुत लगता है। दूर की वस्तुएं दिखती हैं, निकट की वस्तुएं कम दिखती हैं, और जो स्वयं ही है वो तो दिखता ही नहीं है। किसी ने पूरे जीवन में अपनी आँखों को नहीं देखा, दर्पण में केवल प्रतिबिंब देखा है, परछाई आँखों को नहीं। लेकिन किसी से कहा जाए तुम्हारे आँखें नहीं हैं तो नाखुश हो जाएगा। आज तक नहीं देखा तो क्या प्रमाण है आँखें? क्योंकि दुनिया को देखता है इसलिए आंखें स्वयं सिद्ध हैं। संसार को देखता हूँ तो किससे देखता हूँ? आंखों से। आंखों को देखूँ या न देखूँ, संसार को देखता हूँ इसलिए आंखें स्वयं सिद्ध हैं। सबको जानता हूँ, कौन जानता है? मैं कौन हूँ? जो सबको जानने वाला है वही आत्मा है, वही जीव है, चेतन है, वही आपका अस्तित्व है। और वो अद्भुत लगता है। आश्चर्यवत पश्यत वदत इत्यादि गीता में भी कहा गया है, उपनिषद में भी कहा गया है। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौरुफ न हुआ। शरीर और आत्मा का संबंध अद्भुत है, अजीब है, अद्भुत है। जीवन भर साथ रहे लेकिन तौरुफ न हुआ, परिचय नहीं हुआ। परिचय के लिए चेष्टा नहीं हुई। अद्भुत रूप अनूप कथों कहो तो को पति आई। लेकिन साहब कहते हैं जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई सब घट रहा समाए। जहाँ जहाँ देखता हूँ तहाँ तहाँ वही है, सब घट में वो समा रहा है। जो सब घट में है वही वह है। कण कण में भी लोग कहते हैं कि वो कण कण में है, कण कण में है ये कहना भाव उठता है, घट घट में कहना ये अनुभव है। घट 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 कहते घड़ा को, यहाँ घट का अर्थ है शरीर। प्रति शरीर में आत्मा निवास करता है, ये अनुभव का विषय है। कण कण में है ये भावुकता है। कबीर साहब कण कण नहीं कहते, घट घट कहते। एक पंडित ने कहा था, मुझसे बातचीत की, मेरे सामने तो नहीं कहा, जब वे चले गए तो अपने छोटे पंडित से कहे। वे बहुत बड़े पंडित थे जो मुझसे बात किए थे, बहुत विद्वान थे।
प्रकांड पंडित अवध क्षेत्र के थे, अब नहीं रहे। तो अपने छोटे पंडित से उन्होंने कहा कि महाराज जी की बातें और हम लोगों की बातें करीब करीब एक ही हैं, फर्क यही है कि हम लोग कणकण में मानते हैं, वे लोग घट घट में मानते हैं। कणकण में मानना व्यवहारिक है, घट घट में मानना व्यवहारिक नहीं है। तो उनके पंडित मुझसे आए मिले और कहे, हमारे ज्ञानी जी कहते थे कि महाराज घट घट में मानते हैं, कणकण में नहीं, इसलिए वो व्यवहारिक नहीं है। तो मैंने कहा, घट घट में व्यवहारिक है, कणकण में व्यवहारिक नहीं है। आप कहीं पेशाब करते हैं तो किसी प्राणी के ऊपर न पड़े ये ध्यान रख सकते हैं, लेकिन कण के ऊपर न पड़े ये कहाँ व्यवहारिक है। पैर रखें किसी घट प्राणधारी के ऊपर न पड़े पैर, ये तो ख्याल रख सकते हैं, लेकिन किसी कण पर पैर न पड़े ये सोचना भी असंभव है। इसलिए कणकण में है ये अव्यवहारिक है, घट घट में हो व्यवहारिक है। कहे, तो मैं समझ ही नहीं पाया, अभी जाके कहूँगा उनसे। मैंने कहा, भाई समझने में समय लगता है। कणकण में जो गति होती है वो आत्मा के नाती होती है, ऐसा भ्रम है। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, जड़ तत्व तो जड़ हैं, उनमें क्रिया कैसे होगी? जब आत्मा उसमें क्रिया करे तो क्रियावान हो। लेकिन ये तो साधारण बुद्धि से समझना चाहिए कि भौतिक द्रव्य स्वतः गतिशील हैं। भौतिक द्रव्यों में जो गति है वही उनकी संपत्ति है। गतिहीन हो जाए ये संसार शून्य हो जाएगा। जड़ द्रव्य स्वतः गतिशील हैं, उनकी गति उनमें अनादि निहित है, ये समझना बहुत सरल है, तो विज्ञान सम्मत है। कण में गति होती है आत्मा के नाते नहीं, उनमें स्वभाव सिद्ध क्रिया है। हवा में गति होती है, जब पूर्वी चलती है तो पूरब तरफ से कोई परमात्मा ब्रह्म ढकेलता है, और जब पश्चिम तरफ से चलती है हवा तो पश्चिम से परमात्मा ढकेलता होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रकृति के दाब के अनुसार चलता है, पानी की धारा, हवा की धारा, सभी द्रव्यों में गति स्वतः निहित है। अतिशयोक्ति लोग करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जो गलत है। घट घट रहा समाई, साहब कहते वो आत्म तत्व घट घट में समा रहा है, इसलिए सबको अपने समान समझो। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साई बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। घट घट में वही साई बसता है, इसलिए कट वचन न कहो। कट वचन कहते हो तो अपने साई को मानो दुखाते हो। साई परमात्मा ब्रह्म ईश्वर ये घट घट में जो बसा है यही है। तो भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथे हो कहो तो को पति आई, जहाँ जहाँ देखो तह तह सोई सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन सुख दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। लक्ष्य कहते हैं लाख की संख्या को, लाख की संख्या का लाक्षणिक अर्थ है बहुत धन, वे लखपति। आज भी कहा जाता है लखपति होने अर्थ आज तो खास नहीं रहा, आज करोड़पति अरबपति कहने से लगता है कुछ दम है। लखपति तो एक छोटा दुकानदार भी होता, सब बेच दो तो लाख से अधिक हो जाएगा। बहुत छोटी दुकान है वो कई लाख में बिक सकती है। तो लक्ष्य लाख, लाख का अर्थ है लाक्षणिक धन ज्यादा होना। लक्ष्य बिन सुख, धनपति हुए बिना भी वो सुखी रहता है, जिसे आत्मज्ञान है, जिसने आत्मशोधन किया, जिसने अपने आप को सुबस किया,
वो लखपति हुए बिना भी सुखी रहता है, यानी धनी हुए बिना भी सुखी रहता है। धनी होने का मतलब है अतिरिक्त धन वाला होना। जिनको हम धनी नहीं कहते हैं वे भूखों नहीं मरते हैं। धनी का अर्थ है बहुत ज़्यादा है धन, बाकी जो कमाते खाते हैं उनको धनी नहीं कहा जाता है, लेकिन सब कमाते खाते हैं। तो साहब कहते हैं लक्ष्य बिन सुख, लखपति हुए बिना, धनपति हुए बिना भी वो सुखी रहता है। आखिर हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा भोजन और थोड़ा वस्त्र और रहने की थोड़ी जगह, बस हो गया। और ज़्यादा जितना होगा क्या किया जाएगा? अब जो असली काम है वो अपने को संभालना है। वही काम लोग नहीं करते हैं, अपने को संभालते नहीं, बहते हैं। दुनिया की संपन्नता में दिमाग का पूरा जोर है, आत्मा की संपन्नता में नहीं, जीवन की निर्मलता में नहीं। इसलिए बाहर संपन्न हैं और भीतर विपिन्न है, बाहर से भरे भरे हैं और भीतर से खाली खाली हैं। ये संसार की दशा है। लेकिन विवेकी पुरुष धनपति हुए बिना भी सुखी रहता है। जिसके मन में विश्राम है, डायोनीज की जो कथा है यूनान की, आज से 2500 वर्ष पूर्व नहीं और इधर है 2300 वर्ष पूर्व की बात होगी, जब सिकंदर का पिता नहीं रह गया था, फिलिप्स जब कोई देश पर विजय करके आता तो सिकंदर दुखी होता, तो कहता बेटा सब लोग खुशियां मना रहे हैं तुम दुखी क्यों हो? कहे आप ही सब जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा? कहे दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। तो फिलिप्स मर गए उनके पिता, और सिकंदर जब विश्व विजय में चला तो कुछ दूर पर एक संत रहते थे, डायोनीज नाम था, और वो एक जगह पड़े रहते थे कहीं झोपड़ी उपड़ी में। तो गया और कहा, अपना विषय बताया कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूँ। तो कहे विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे तब सुख से रहूँगा। तो डायनीज ने कहा मैं तो वैसे सुख से हूँ, आओ मेरे पास पड़ जाओ सुख से रहो, विश्व विजय करने कोई ज़रूरत नहीं। उसको बड़ा अद्भुत लगा और बड़ा प्रभावित हुआ। फिर कहा आपकी क्या सेवा करूँ? कहे धूप लिए खड़े हो हट जाओ, बस यही सेवा है। बहुत निष्फिक्र संत थे। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा था या तो मैं विश्व विजयी बन करके सम्राट बनूंगा, नहीं तो डायोनीज जैसा साधु बनूंगा। तो साधु तो नहीं बन पाया, और विश्व विजय भी क्या किया, उफान शैतान किया, जितनी उसकी योग्यता थी संहार में मन लगाया, रचनात्मक नहीं। तो विश्व विजय कर लूँगा तब सुख से रहूँगा। डायोनीज ने कहा आओ मेरे पास वैसे सुख से रहो, विश्व विजय की जरूरत ही नहीं है। सुख से रहने का तरीका है इच्छाओं को समेट लेना, अपनी आवश्यकताओं को भी कम कर देना। विषय वासना की तो इच्छा ही नहीं, न पद की इच्छा, न प्रतिष्ठा की इच्छा, न पूजापा की इच्छा, भोगों की इच्छा ही नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए जो वस्तुएं हैं उसमें भी कम से कम में निपटा लेने की प्रवृत्ति। इस प्रकार जो संतुष्ट हो जाता है वो सदा सुखी रहता है। लक्ष्य बिन सुख, लखपति हुए बिना भी ज्ञानी सुखी रहता है। दरिद्र बिन दुख, लेकिन दूसरे लोग दरिद्रता के बिना दुखी हैं, दरिद्र नहीं है लेकिन दुखी है। दरिद्र दुखी होता है। दरिद्र का क्या अर्थ होता है?
अगर कोई कहे मेरे पास कार नहीं इसलिए दरिद्र हूँ, तो ये ठीक नहीं है। दरिद्र वह है जो दिन भर परिश्रम करे लेकिन शाम तक पेट न भरे, तन ढकने कपड़े न जुड़े, रहने के लिए फूस की छानी न हो, नीचू झोपड़ी न हो। नीचू का मतलब जिसमें पानी न चुए, ऐसी झोपड़ी न हो, तो दरिद्र है। और दरिद्र कोई न हो, हमारा दुश्मन भी दरिद्र न हो, ये शुभकामना करनी चाहिए। विवेकवान दुश्मन किसी को मानते ही नहीं। दरिद्र बिन दुख, लोग दरिद्रता के बिना दुखी हैं। खाते पीते हैं, पक्का मकान है, स्कूटर है, निश्चित आमदनी है, दूध भी आता है, चाय में ले लेते हैं, वैसे भी पीते हैं, घी भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, मेवे भी खाते हैं, लेकिन दुखी हैं। ये मेवे दूध दही कुछ काम नहीं करेंगे। खाने पीने की जो सादा गोदा कुछ मिल जाए बहुत है। अपने मन को मेवे और दूध दही में न बांधो। शौक करो मानसिक निर्मलता की। निर्मल मन सुख का साधन है। दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता के बिना लोग दुखी हैं। दरिद्र नहीं है लेकिन दुख से पीड़ित हैं। संपन्न है बाहर से और भीतर से दरिद्र हैं। नींद बिना सुख सोए, विवेकवान नींद बिना भी सुख से सोते हैं। अविवेकी आदमी नींद के समय भी सो नहीं पाता, करवटे बदलता रहता है, सो नहीं पाता, चिंताएं परेशान करती हैं, स्मरणों का प्रवाह चलता है, नींद आती ही नहीं। लेकिन विवेकवान नींद के बिना सुख से सोते हैं, सब समय सुख से सोते हैं। शेते सुखम कस्तु, स्वामी शंकराचार्य ने कहा, शेते सुखम कस्तु, कौन सुख से सोता है? तो उत्तर दिया, समाधि निष्ठ है। जो समाधि निष्ठ है, समाधि का अर्थ है मानसिक क्लेश से मुक्त अवस्था। सम आदि, आदि और व्याधि, शरीर के रोग व्याधि हैं और मन के रोग आदि। मन के रोग को आदि कहा जाता है। सम आदि, जिसकी आदि मानसिक रोग शमित हो, शांत हो, वो समाधि में है। शेते सुखम कस, तो समाधि निष्ठा। कौन सुख से सोता है? जिसके मन में क्लेश नहीं है। मन में क्लेश न होना, ये बड़ा सस्ता रास्ता है, महंगा नहीं है। भोग महंगे हैं, जवानी स्थिर नहीं है, युति पत्नी का शरीर भी स्थिर नहीं है, बाल बच्चे धन दौलत मठ मंदिर कुछ स्थिर नहीं है। लेकिन मन को निर्मल करने का अभ्यास अगर हम करें तो स्थिर सुख मिलेगा। मन को निष्काम बनाएं, निर्मल बनाएं, आत्मस्थ बनाएं, तो हम सुखी हो सकते हैं। मनुष्य क्या चाहता है? हमें कोई दुख ना हो, परमानंद सब समय हो। ये बहुत सस्ता रास्ता है। इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, इसके लिए निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन के लिए कामनाओं का त्याग चाहिए, कामनाओं को जीतना चाहिए। ये अपने को मांजना, मांजने से होता है, भौतिक उपलब्धियों से नहीं, अपने को मांजने से होता है। दुनिया के जितने संत हैं वो क्या धन के नाते बड़े हुए हैं? अपने को मांजने के नाते हुए हैं। चाहे झोपड़ी से कबीर आए और चाहे राजमहल से बुद्ध हो महावीर आए, ये अपने ज्ञान वैराग से उच्च हुए हैं। झोपड़ी और महल से कोई मतलब नहीं। शंकर भी झोपड़ी से आए, शंकराचार्य भी साधारण घर के थे, कबीर साहब साधारण घर के थे,
नानक साहब साधारण घर के थे, रविदास साधारण घर के थे, और भी संत गोस्वामी जी भी साधारण घर के थे। कबीर साहब और गोस्वामी जी की तो स्थिति ऐसी है कि कबीर साहब लाहतारा तब तालाब पर मिले शिष्य रूप में, गोस्वामी जी भी मंगतों के पिछवाड़े शिष्य के रूप में मिले, मंगतों ने पाला, लेकिन वो मंगते गोसाई थे। यह शंकराचार्य के मार्ग से अपभ्रंश साधु टूटे हुए गोसाई कहलाते। गोसाई ब्राह्मण का अर्थ नहीं है, तो गोसाई थे, मांगने वाले थे, उनको शिष्य मिला, उन्होंने पाला। मांगते खाते सुकर क्षेत्र में नरहर जी महाराज के उपदेश से रामबोला नाम का बच्चा मार्ग में लगा, मेधावान था। ईसा जब पैदा हुए तो उनकी माँ मरियम के पास गद्दा नहीं था, छोटा सा गद्दा नहीं था कि उस पर शिष्य को लटा दे। पशु के नाद में घास रख करके कपड़ा बिछा करके शिष्य को रखा गया। तो राजमहल से आया हो, झोपड़ी से आया हो, महापुरुष धन और विद्या के नाते महापुरुष नहीं हुए हैं, जीवन को निर्मल करने के नाते हुए हैं। अब आप किसी धनी को आदर अगर देते हैं तो एक मर्यादा से देते हैं, अथवा अपने कुछ लोभ से देते हैं। दिल से आप उसको मर्यादा देते हैं जो आपकी अपेक्षा अधिक चारित्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठा है, उसको दिल से देते हैं। पैसे वाले भी दूसरे पैसे वाले को दिल से आदर नहीं दे पाते हैं, मर्यादा है दे दिए या स्वार्थ है दे दिए। दिल से पैसे वाले भी ये समझते हैं जिसका जीवन निर्मल है उसको आदर देते हैं। दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए, नींद के बिना भी ज्ञानी सुख से सोता है। जब वो जागता है तब भी सोता है मानो, और सोता है तब तो सोता ही है। यहाँ सोने का अर्थ है क्लेश रहित मन। सुषुप्ति में दो पद है, स्व और अपीत। सुषुप्ति शब्द दो पदों से बना, स्व अपीत सुषुप्ति। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुषुप्ति है। जागृत अवस्था में आदमी प्रपंच को प्राप्त होता है इसलिए दुखी रहता है, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के प्रतिबिंबों को प्राप्त होता है इसलिए वहाँ भी दुखी रहता है, सुषुप्ति में अपने को प्राप्त रहता है इसलिए दुखी नहीं रहता। कर्जी हो, गर्जी हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, अपमानित हो, तो भी गाढ़ी नींद में जाने पर आदमी का दुख खत्म हो जाता है। वो अवस्था जन्य होने से नींद खुलते ही दुख शुरू हो जाता है, लेकिन गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं रहता। और जो ज्ञान द्वारा जागते जागते सो रहा है, जागता है, खाता है, पीता है, लेकिन क्लेश रहित मन वाला है, तो जानो वो जागते सो रहा है। जागृत सुषुप्ति उसकी है, जागते जागते वो सो रहा है। नींद बिना सुख सोए, विवेकवान नींद के बिना भी सुख से सोते हैं। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहुना रोए। यश बिन ज्योति, बिना ज्योति के उसका यश होता है, ज्योति ऐश्वर्य चमक, उसके बिना उसका यश बिन ज्योति, यश कीर्त के बिना उसकी ज्योति होती है, बाहरी यश कीर्त की जरूरत नहीं। ऐसे भी संत हैं कि लोग उनको नहीं जानते हैं,
जो प्रवक्ता हैं, जो लेखक हैं, प्रतिभा के धनी हैं, बहुत से लोग संत भक्त जिनके इर्द गिर्द लग जाते हैं उनको लोग जानते हैं। ऐसे भी संत होते हैं जो संतत्व में पूरे हैं लेकिन प्रतिभावान नहीं हैं, वे दूसरे को ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं, कोई ग्रंथ लिख नहीं सकते हैं, उनका ऐसा कुछ व्यवहार नहीं हो सकता है जिससे लोग उनके पास आ सकें, प्रतिभा उनमें नहीं होती है। लेकिन संतत्व पूरा है तो जो प्रतिभावान संत हैं उनसे वे कम नहीं है, प्रतिभावान है और संतत्व भी है, दोनों बातें हैं। तो वो बातें ऐसी हैं कि उनका अपना कल्याण है, उनके द्वारा बहुतों का हित है। जिनमें प्रतिभा नहीं होती है बहुतों का हित तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने में वे पूर्ण होते हैं, तो यश के बिना उनकी ज्योति होती है। यश कीर्ति नहीं है लेकिन अंदर से ज्योतित है। यश कीर्ति में क्या रखा है, लोगों का हित होता है ठीक है, अब अपने कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा नाम जो काल्पनिक है, नाम कुछ है नहीं, एक रख लिया गया, गुरु जी ने रख दिया है शरीर का नाम, अब वो नाम हजारों वर्षों तक चलता रहा है, हमें कुछ मिलने वाला है। मेरी पुस्तकों से देश विदेश में लोग लाभ ले रहे हैं, लाखों की संख्या में लाभ ले रहे हैं और हजारों वर्षों तक लेते रहे, उससे कुछ मुझे मिलने वाला नहीं। अगर मैं स्वयं तृप्त नहीं हूँ तो क्या करेगा, दूसरे लोग लाभ ले सकते हैं, अगर मैं ना लाभ लूँ तो मैं वैसे रह जाऊँगा। मेरी पुस्तकों से मनन करके लोग अपना कल्याण कर सकते हैं और मैं आचरण न करूँ तो मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बाहर प्रतिभा द्वारा जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो ऐश्वर्य कल्याण में हेतु नहीं बनता है। सावधान न रहे तो भटका सकता है। असली काम है अपने मन को शुद्ध कर लेना और अपने आप में व्यवस्थित हो जाना। तो जो जिसका मन क्लेश रहित हो गया है वो नींद बिना सुख से सोता है। जो नींद आती है तब तो सोता ही है और जब नींद का समय नहीं रहता है तब भी सुख से सोता है, क्योंकि क्लेश नहीं है। हर इंसान यही चाहता है हमारा मन दुखी न हो। दूसरे शब्दों में, दूसरे वाक्यों में, हम परमानंदित हों। तो परमानंदित होना और दुखी ना होना एक ही बात है। जब दुख नहीं है तो सुख की जरूरत ही नहीं है। मन में जब अभाव नहीं है तो सुख की कौन सी आवश्यकता है। इसलिए दुख ना होना ही सुख है। अत्यंत दुख अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। ऋषि ने कहा है तीनों दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। नींद बिना सुख सोवे, जस बिन ज्योति, रूप बिन आशिक। यश के बिना उसकी ज्योति होती है, बाहरी यश कीर्त ऐश्वर्य के बिना वो अंतर ज्योत में जगमगाता है, सदैव कृतार्थ रूप है। जस बिन ज्योति, रूप बिन आशिक। वह रूप के बिना आशिक होता है। नीत में लिखा है पाजी रूप में आशिक होता है। किसी चिकनी चमड़ी देखा मोह गया, ये चिकनी चमड़ी कब तक रहती है। जो चमड़ी चिकनी दिखती थोड़े दिन में रुखरी हो जाती है और वहीं घाव हो जाए तो कीड़े पड़ जाएंगे। घाव से, फोड़ा फुंसियों से, रोगों से भरा ये अस्थि पिंजर का शरीर, इसमें क्या रखा है। अविवेक से आदमी मोहित होता है लेकिन विवेकवान रूप बिन आशिक होते हैं, बिना रूप के आशिक होते हैं। आशिक कहते हैं प्रेमी को, जो किसी में, किसी के मोह में आबद्ध हो गया हो वो आशिक है, वो आत्मा में आशिक है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या।
ये कबीर साहब का भजन है, जो आध्यात्मिक अंतर्मुखता में इश्क है, मस्ताना है, उसमें होशियारी नहीं होती है, चतुरता चालाकी छल छद में ये सब नहीं होते हैं। तो ये आशिक होना ये रूप में नहीं है, अरूप में है, आत्मलीनता है। रूप बिन आशिक ऐसो रतन बिहूना रोवे, ऐसा आध्यात्मिक रतन, आत्मा रूपी रतन के ज्ञान के बिना आदमी रोता है, दुखी होता है। पत्नी छूट गई रो रहा है, पति मर गया, देवी रो रही हैं, बच्चा चला गया, माँ बाप रो रहे हैं, हाय मैं अनाथ हो गया। कौन आपका है जो छूट गया और आप अनाथ हो गए? आपका कुछ है ही नहीं, अनाथ क्या हो गए? जोड़ जोड़ करके रोग बनाए हो, अरे मिले थे, छूट गए, हो गया, संजोग था। तालाब में देखो, आप कभी स्नान करने जाओ तो उसमें तृण घास ये सब तैरते हैं, पानी के हिलोरे से एक तृण दूसरे तृण से जुड़ जाता है और उन्हीं हिलोरों से छूट जाता है, फिर उन्हीं से या दूसरे तीसरे चौथे से जुड़ता और छूटता है। पानी के हिलोरे से तालाब में तैरते हुए तृण जैसे एक दूसरे से मिलते और छूटते रहते हैं, ऐसे काल के हिलोरे से संसार सागर में इन प्राणियों का मिलना और छूटना बराबर चला करता है। इसमें कौन किसका है? कहानी कही जाती है, अभिमन्यु जब मारा गया तो अर्जुन व्याकुल हो गए, अभिमन्यु जैसा पुत्र, कृष्ण जी समझाते रहे लेकिन वो विलाप पीड़ित के चलो अब अभिमन्यु से तुम्हें मिला दें, ले गए स्वर्ग। अभिमन्यु गेंद खेल रहा था तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन वो लड़का तुम्हारा खेल ला, जाओ मिल लो। गए, बेटा बेटा बेटा, अभिमन्यु ने कहा किसका बेटा, किसका पोता, किसका पिता, न मालूम कितनी बार तुम मेरे बेटे हुए, मैं तुम्हारा बेटा हुआ, कहाँ बेटा बेटा, कौन किसका? अर्जुन का मोह मिट गया। ये कहानी है, कोई आकाश में स्वर्ग नहीं। मर जाने के बाद वैसे ही देहधारी को आप नहीं पा सकते, देह की सारी चीज़ें जो कण हैं वे मिथ्या नहीं है, अब आत्मा भी मिथ्या नहीं है, लेकिन अब आत्मा जहाँ कहीं देह धरेगा तो वो शक्ल सूरत नहीं रहेगी, वो स्मृतियाँ भी नहीं रहेंगी। तो ऐसी कहानियाँ मोह मिटाने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे सिकंदर 33 वर्ष की उम्र में मरा था, उसकी माँ व्याकुल थी और कब्र पर जा करके रोती रहती थी, तो एक दिन जब वो बहुत रोई तो कब्र से बड़ी ज़ोर से आवाज़ निकली और हजारों की आवाज़, वो अचकचा गई, घबरा गई, कहा मैं अपने सिकंदर को पुकारती हूँ, इसमें हजारों आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? अंदर से आवाज़ आई, इसमें बहुत सिकंदर दबे हैं, तुम किस नंबर के सिकंदर को पूछ रहे हो? तो कोई नंबर का तो पता नहीं, मेरा लड़का सिकंदर, कहीं इसे पता नहीं चलेगा। तो उसको हुआ, जब बहुत सिकंदर दबे हैं तो हमारा भी सिकंदर दबा है। तो ये भी समझाने का तरीका है, इसका अर्थ यही है कि सबके प्यारे तो इसी मिट्टी में जाते हैं, क्यों रो रहे हो? केते बुंद हल्प हो गए, केते गए भिगोए, एक बुंद के कारण मानुष काहेक रोए। साहब कहते कितने बुंद, वीर्ज के बुंद सफल हो गए, उससे गर्व रहा, और कितने नष्ट हो गए। तेरा जो पुत्र है वीर्ज का एक बुंद है, अगर वो मर गया तो क्या रोता है? एक बुंद के कारण मानुष काहेक रोए। कितनी सरलता से साहब कहते हैं, मुझे कबीर साहब का ज्ञान पूरा पारक सिद्धांत हो गया था। एक पंडित जी का संबंध उसी गांव में था तो आए थे मिले, बहुत विनम्र थे, सात मार्ग में आने के बाद भी वे मिले हैं। बुढ़ापा में उनको बच्चा हुआ था, बच्चा हुआ और कुछ बड़ा हुआ और मर गया, 7-8 वर्ष का शायद हुआ होगा।
बहुत दिन की बात है, 55-56 बरस की बात है। तो जब आए पता चला तो मैं उनसे मिलने गया, बातचीत किया और यही साहेब की साखी कही, केते बूंद हल्प हो गए, केते गए भिगोए, एक बूंद के कारण मानुष काहे करोए। वो इतने संतुष्ट हुए, बारंबार कहें कि मेरे अंदर से जैसे कोई कांटा चुभाओ निकाल लिया हो, अब वो पीड़ा नहीं रह गई। जब मैं साधु मार्ग में आया तो जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में भी अपने भक्त काफ़ी हैं, आज भी गुरु जी के साथ गया था, वो जीवित थे, मिले। कहे महाराज, आपने जो कहा था जब आप घर में थे, आपकी थोड़ी उम्र थी, मैं तो तब भी बूढ़ा था, अब तो और बूढ़ा हूँ, लेकिन आपने जो कहा था तब से मेरे मन की पीड़ा दूर हो गई। अरे बच्चे क्या रोते हो, एक बूंद के कारण मानुष काहे करोए। तो विवेक से अगर हम देखते हैं स्थित को तो शोक करने कोई गुंजाइश नहीं। रूप बिन आशिक ऐसो रतन बिहुना रोवे, आत्मा रूपी रतन को लोग नहीं जानते। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहब कहते रतन का जतन करो, रतन को जतन से रखो, या आत्मा रूपी रतन को जतन से रखो, इसमें कचरा ना लगने दो। माड़ी का श्रृंगार, जितना श्रृंगार है माड़ी का है, दिखावा है। कपड़े पर माड़ी लगती चढ़ती है तो कपड़ा चिकना दिखता है, धो देने के बाद खखरा हो जाता है। ऐसे धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब माड़ी का है, सब चार दिन की चिकनाई है। अपने सामने हमने अनेक गुरुओं संतों महापुरुषों को देखा जिनका बड़ा बड़ा समाज था, अब न वे महापुरुष हैं न उनका समाज है, इक्का दुक्का कोई है। साहब कितना घोर परिवर्तनशील है। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। तो ऐसो रतन बिहुना रोवे, भ्रम बिन गंजन मड़ बिन नीरख, रूप बिना बहु रूपा। भ्रम के बिना गंजन है, गंजन है विनाश है, तिरस्कार है, अपमान है। भ्रम आत्म अस्तित्व में कोई भ्रम नहीं है, मैं हूँ कि नहीं ये प्रश्न ही बेकार है। मैं न हूँ तो कौन प्रश्न करे, आत्मा है कि नहीं ये कौन कहता है, आत्मा ही कहता है। आत्म अस्तित्व निर्विवाद है तो भ्रम नहीं है आत्मा के विषय में, लेकिन फिर भी सर्वाधिक तिरस्कार उसी का किया जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृतनिंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। ऐसा मानव शरीर पा करके जो भवसागर से नहीं तरता है वो आत्महत्यारा है। जो न तरई भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृतनिंदक, वो कृतनिंदक है, अपने किए हुए की निंदा करता है, उसके पुण्य प्रताप से समय मिला है और उसकी अवहेलना कर रहा है। आत्म हन गति जाए, वो तो आत्महत्यारा है जो अपने को भवसागर से पार नहीं करता है। भवसागर क्या है, मन का मोह, मन की आसक्ति, मन का विकार, ये भवसागर है। ऐसो रतन बिहुना रोए, भ्रम बिन गंजन, भ्रम के बिना गंजन है, यानी आत्म अस्तित्व में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आत्मा तो है ही, वही बोल रहा है, लेकिन फिर भी अधिकतम तिरस्कार हम आत्मा का करते हैं, अपनी अवहेलना करते हैं, अपना निरादर करते हैं, अपने को सही दिशा में नहीं रखते हैं। अपने को जो सही दिशा में रखता वो आत्मा का आदर करता है। ब्रह्म बिन गंजन मड़ बिन नीरख, मड़ के बिना, ये बाहरी मड़ नहीं है आत्मा, लेकिन इसी की निरख परख करो। ये कोई पत्थर की मणि नहीं है, परखने वाले को परखो, देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। ये जो कहा जाता है इसका मतलब है
कौन सबको जानता है? मैं सबको पाने की इच्छा कौन करता है? मैं तो अपने को जानूं, अपने को पाऊं। सबको जानते और पाते हम छूछे रह जाते हैं। जिसने अपने को जाना और अपने को पाया वो कृतार्थ हो गया। ब्रह्म बिन गंजन मणि बिन नीरख रूप बिना बहु रूपा, ये रूप के बिना भी बहु रूप वाला है। ये रूप वाला नहीं है, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई आकार स्थूल दिखाई नहीं देता है, लेकिन मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, कीड़ों के रूप में, मनुष्यों में भी स्त्री पुरुष काला गोरा लंबा छोटा मोटा पतला के रूप में, रूप बिना बहु रूपा, रूप के बिना भी बहु रूप वाला है, बहुरूपिया है। ब्रह्म बिन गंजर मणि बिन नीरख रूप बिना बहु रूपा, थित बिन सुरत रहस्य बिन आनंद ऐसो चरित अनूपा। थित बिन सुरत, जिसको आत्मज्ञान हो गया, थित के बिना उसकी सुरत स्थिर हो जाती है। थित नाम आधार। देखो ध्यान की पीरियड में ये बताया जाता है, आंखें बंद करो, बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन टिकाओ, सांस आती जाती है उसमें मन टिकाओ, किसी महापुरुष के चित्र में मन टिकाना हो उसमें टिकाओ, ये सब स्थिति है। स्थिति आधार, उद्देश्य, आलंबन। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो जाता है और विषय फीके हो जाते हैं तो थित बिन सुरति, आलंबन के बिना उसका मन स्थिर हो जाता है। ये मन की चंचलता विषयाशक्ति के कारण है। जितना अधिक मोह होगा उतना मन चंचल होगा, और जितना मोह की निवृत्ति होगी उतना मन स्थिर होगा। बारंबार हम उसको सोचते हैं जहाँ हमारा मन लगा है। हमारा मन या तो मोह में लगा रहता है तो वैर में। अगर मोह है तो उसके इर्द गिर्द घूमेगा, और वैर है तो उसके भी इर्द गिर्द घूमता है। जिससे वैर है उसको विध्वंस करने की चेष्टा, और जिससे मोह है उसको सर्वसंपन्न बनाने की चेष्टा। इससे हमारा मन क्षुब्ध रहता है। मोह और वैर जिसके दोनों मिट गए हैं, थित बिन सुरति, उसकी सुरत, उसकी मनोवृत्ति आलंबन के बिना शांत हो जाती है। अंतिम ध्यान यही है, कोई आधार नहीं, निराधार शांत। पहले किसी आधार में मन ठहरावे। साहब ने कहा निराधार आधार ले जानी। निराधार को आधार से ही समझ सकते हो। शुरुआत में कोई छत पर नहीं पहुंचता है, जीने पर चढ़ते चढ़ते छत पर इंसान पहुंचता है। किसी आधार में मन को ठहराते, आदत बनाते, तब धीरे धीरे निराधार होता है। थित बिन सुरत रहस्य बिन आनंद, रहस्य बिन उसका आनंद होता है, रंग रास के बिना उसका आनंद होता है। संसारियों का आनंद किस में है? रंग रास में। रंग रास है, खेल तमाशे हैं, क्लब में चले गए, नहीं ज़्यादा कर तो पार्क में ही चले गए, गप शड़ाका मार लिए, सिनेमा हॉल में चले गए, तो इस प्रकार कहीं रंग रास में आनंद लोगों को लगता है। लेकिन ज्ञानी का आनंद रहस बिन आनंद, रंग रास के बिना उसका आनंद है। मैं कन्याकुमारी में था, समुद्र की उछाल तरंगे उठ रही थी, समुद्र में थोड़ा जा करके खड़ा हुआ। एक सज्जन ने कहा मैं जब समुद्र के पास आता हूँ तो मगन हो जाता, मन चाहता है यहीं रहूँ। मैंने कहा यहीं रहने लगो तो समुद्र से घबरा जाओगे, फिर वितृष्णा हो जाएगी। ये बाहर की चीज़ें तो क्षणिक संतोष देती हैं। आपको एक स्वर्णिम भवन में कर दिया जाए, सब सुविधाओं से संपन्न, बहुत आनंदित हो जाएंगे। थोड़े समय में वो भवन काटने लगेगा, क्योंकि उसको लेकर के फिर अनेक विकार पैदा होंगे। इसलिए असली आनंद वह है जो निराधार हो।
वस्तु जनित आनंद क्षणिक होता है, आत्मजनित आनंद अनंत होता है। किसी वस्तु से आनंद आया तो वस्तु खो गई, आनंद चला गया। अब आत्मानंद है, वो आनंद कभी नहीं जाता है, अनपायनी। तथागत बुद्ध की भाषा में कहें तो अनपायनी सुख है वह। अनपायनी का मतलब स्थिर, छाया वा अनपायनी। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया चलती है, वैसे निर्मल मन वाले व्यक्ति के पीछे स्थिर सुख चलता है। उसके व्यक्तित्व का पूरा परिमंडल आनंदमय होता है, क्योंकि दुनिया की क्षणिक वस्तुओं से उसका राग उठ गया है, इसलिए छूटने और मिटने का भय खत्म हो गया है। क्या छूटेगा? पहले मन से छोड़ दिया है, शरीर क्या मरेगा? पहले से मरा हुआ है, पहले से इसको जो मृत देखता है क्या भय? रास बिना आनंद ऐसो चरित्र अनुपा। साहब कहते हैं ऐसा विलक्षण चरित्र है ज्ञानी का। कहें कबीर जगत हरिमानिक देखो चित अनुमानी। कबीर साहब कहते जगत में हरि ही माणिक है। हरि परमात्मा ब्रह्म, अनेक शब्द का प्रयोग होता है। हरि शब्द, सारंग पाणि शब्द, विष्णु शब्द, रघुराई शब्द, ये सगुण उपासकों के हैं। साहेब ने सगुण उपासकों के भी शब्द लिए हैं। हरि भजन वेदों में नहीं है। हरि बिन भरम बिगुरचन गंदा, हरिजन हंस दसाल ये डोले, इसमें इसकी व्याख्या में आप इसका ऐतिहासिक अध्ययन कर सकते हैं। हरि शब्द ये पारसी परंपरा से आई है। अहुरमज़दा, पारसियों के ईश्वर का नाम अहुरमज़दा। संस्कृत के पंडितों ने अहुरमज़दा को हरि मेधस कहा। मेधस उड़ गया, हरि रह गया, और आगे हरि भजन शुरू हुआ। गुप्त काल में हरि भजन शुरू हुआ है, ईसा के 325 वर्ष बाद हरि भजन शुरू हुआ है। पहले हरि भजन नहीं था। वेदों में हरि शब्द खूब है। वो हरि का अर्थ है अश्व। वो अश्व है सूर्य की किरणें। इंद्र को भी हरि कहा गया है। हरि का पहला अर्थ है हरा हरा। हरि का अर्थ आगे विष्णु हुआ। साहेब ने हरि आत्मा को कहा है। बाएं दहिने तजो विकारा निजके हरिपद गहिया। बाएं दहिने सब तरफ से विकारों को छोड़ दो, निज आत्मा ही हरि है ये समझो। साहेब ने हरि कहा, सारंग पाणि कहा, रघुराई तक कहा, लेकिन उसका अर्थ अंतरात्मा माना। मेल मिलाप की भावना शब्दों को ले लिया, लेकिन उनका परमात्मा, उनका उपास्य, उनका परम लक्ष्य अंतरात्मा है। और यही राजमार्ग है, यही सर्वमाननी हो सकता है। श्री राम की उपासना कुछ हिंदू करते, सब हिंदू भी नहीं। श्री कृष्ण की उपासना कुछ हिंदू करते हैं, शिव की उपासना कुछ हिंदू करते हैं, लेकिन अंतरात्मा की उपासना वो कौन तिरस्कारेगा। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा अनुष्ठायन सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद वैतद। ये यमाचार्य ने नचकेता को समझाते हुए कहा। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा, 11 दरवाजों वाला ये जो नगरी शरीर है, इसमें एक अजन्मा सरल शुद्ध आत्मा निवास करता है। अनुष्ठायन सोचति, जो उसका अनुष्ठान कर लेता है, आत्मानुसंधान करता, आत्मा में लीन होता है, आत्मस्थ होता है, तो शोक नहीं करता है। अनुष्ठायन सोचति विमुक्तस्य विमुच्यते, वो जीवन भर विमुक्त रहता है और शरीर छोड़ते समय सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। एतद वैतद, अनचिकेता जिसके लिए तूने प्रश्न किया वो यही आत्मा है। एतद वैतद,
तो शरीर के अंदर में रहने वाला जो आत्मा है वो आत्मा ही उपासनी है। आत्मा उपासनी का मतलब यह है कि मन को समेट करके आत्मलीन हो जाओ, यही आत्मा की उपासना है। गीता में कहा गया आत्मन नैव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। तो कहें कबीर जगत हरि माणिक देखो चित अनुमानी, साहब कहते जगत में हरि ही माणिक्य है और उसमें उसको चित्त में विचार करके समझो। परिहरि लाख लोभ कुटुम्ब तज भजो न सारंग पानी। परिहरि लाख लोभ है, लाख का लोभ और कुटुम्ब का मोह छोड़ करके सारंग पानी का भजन करो ना। तो यहाँ लोभ और मोह को साहब छोड़ने कहे। लोभ मोह छोड़े बिना कोई क्या भजन करेगा? लोभ मोह छोड़ देना ही तो भजन है। जब लोभ मोह छूट गया तो से स्वयं शिव तत्रा, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सा विज्ञेयः। जब प्रपंच का उपशमन हो गया, चित्त विकार विहीन हो गया, तो शिवत्व आ गया। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, अकेला रह गया। चतुर्थम मन्यन्ते, ये जागृत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्थाओं से चौथी अवस्था ज्ञान की अवस्था है, जिसको वेदांती लोग तुर्यगा कहते हैं। यहाँ तुर्यगा शब्द नहीं है। तो आत्म अनुसंधान, आत्म उपासना, आत्म स्थित का अर्थ यही है, चित्त समेट करके अपने आप में बैठ जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ। आत्मनैव आत्मना तुष्ट, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। साहेब ने कहा जब तक दिल पर दिल न होगा सब सुख नहीं होगा। दिल भाग रहा है चारों तरफ, कैसे सुखी होगे? कहें कबीर जगत हरि माणिक देखो चित अनुमानी, परिहरि लाख लोभ कुटुम्ब तज भजो न सारंग पानी। सारंग पाणी का भजन करो। सारंग पाणी का अर्थ है जो हाथ में धनुष रख है। सारंग धनुष, पाणी हाथ, हाथ में जो धनुष रख है ये विष्णु के लिए ज़्यादा रूढ़ है। श्री राम भी रखते हैं लेकिन विष्णु के लिए ज़्यादा रूढ़ है। लेकिन अस्थूल विष्णु को साहब उपास्य नहीं मानते। वो तो कहते हैं हरिहर ब्रह्मा वाचे नाही सुर नर मुनि के केर। हरिहर ब्रह्मा सब माया में फंस गए, सुर नर मुनि की क्या बिसात है। दशरथ सुत्य हो लो कही जाना, राम नाम का मरम है आना। तो किसी स्थूल व्यक्ति को वे परम उपासनी नहीं मानते हैं, इसलिए सारंग पाणी कहते हुए भी उस सारंग पाणी का अर्थ अंतरात्मा ही है। कबीर वाणी की अध्येता है सब जानते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजर प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी या और भी बहुत लेखक हुए हैं और हैं और होते हैं। इसमें तो करीब करीब सब एकमत हैं, सब जानते हैं कि जो स्थूल शब्दों का प्रयोग साहेब ने किया है उनका समन्वय है। जैसे कुछ वैष्णव साहेब के पास गए और कहे भगवान रघुनाथ कब मिलेंगे महाराज, तो साहेब ने कहा सहज समाधि उन मुन जागे सहज मिले रघुराई। सहज समाधि लग गई, उन मुन जग गई, सहज रघुनाथ मिल गए मानो। तो उन्होंने नहीं कहा कि रघुनाथ नहीं मिलेंगे, उन्होंने कहा सहज समाधि लगना और उन्मुन जगना रघुनाथ का मिलना है। सहज समाधि क्या है? कोई आधार नहीं, कोई आलंबर नहीं, अपने आप में संतुष्ट, ये सहज समाधि। उन्मुन का अर्थ है उदास हो जाना, संसार से उदास हो जाना, विषयों से उदास हो जाना और आत्म तन्मय हो जाना। ये हो गया, रघुनाथ मिल गए, यही रघुनाथ है, बाहर नहीं। सकारात्मक ढंग से उन्होंने कहा, खंडन नहीं किया। तो साहेब कहते भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है कहो तो को पति आई, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई सब घट रहा समाई। लक्ष बिन सुख दरिद्र बिन दुख नींद बिना सुख सोए, जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक ऐसो रतन बिहू ना रोए। ब्रह्म बिन गंजन मणि बिन नीरक रूप बिना बहुरूपा, थित बिन सुरत रहस बिन आनंद ऐसो चरित अनुपा। कहें कबीर जगत हरिमानिक देखो चित अनुमानी,
परिहरि लाख लोभ कुटुंब तज भजो न सारंग पानी। पूरा शब्द अध्यात्म विचारों से सराबोर है। ऐसे से साहेब की वाणियाँ हैं, आप उसका मनन करें, चिंतन करें, तो वैसे समाधि लग जाए। स्वाध्याय बहुत बड़ा बल है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। आप लोग भी जो करते होंगे अनुभव होगा, जो नहीं करते हैं वो करें स्वाध्याय, देखेंगे महालाभ होगा। कल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय, ऐसे मैंने अध्ययन करने वाले को देखा है, लालटेन जला करके रात रात पढ़ा करते थे, सोते बहुत कम थे, लेकिन कोरे के कोरे थे। उनसे बात करो तो इतिहास, दर्शन और लेखक के विषय में वर्णन बोलते रह जाएं, आप थक जाओगे, बोलते रह जाएं, लेकिन जीवन में कोरे थे। तो ऐसा उस स्वाध्याय नहीं है। कल्याण की दृष्टि से जो स्वाध्याय करेगा, ये ज्ञान के ग्रंथ महान आधार हैं, इनका मनन चिंतन करने से ये दर्पण के तुल्य हैं। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता अपना, ऐसे स्वाध्याय से अपने आप का होश हवास होता है। ये जीवन क्लेश रहित, शांति में, आनंद में व्यतीत हो, इसी के लिए अध्यात्म पथ है। यही जीवन का फल है कि आदमी इस जीवन में आकर के क्लेश रहित मन वाला हो जाए। और इसका आधार भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक उन्नति ही है। इस दिशा में हमें गौर करना चाहिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम